अहम खबर है, पीटीआई अरकान सूबाई और कौमी असम्बली को गिरफ्तारी का खतरा। खुर्रम शेर जमान, फिरदौस शमीम और दीगर रहनुमा सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। क्या आप सब जमानत हासिल करने आए हैं? बोल न्यूज़ का सवाल। हम सब सिंध हाई कोर्ट चाय पीने आए हैं, पीटीआई अरकान ने ये जवाब दिया। पीटीआई अरकान सूबाई और कौमी असम्बली को गिरफ्तारी का खतरा। खुर्रम शेर जमान, फिरदौस शमीम और दीगर रहनुमा सिंध हाई कोर्ट पहुँच गए। बोल न्यूज़ ने सवाल किया, क्या आप सब जमानत हासिल करने आए हैं? पीटीआई अरकान ने जवाब दिया, हम सब सिंध हाई कोर्ट चाय पीने आए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से, मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन। जी शाहिद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली, उनके खिलाफ दो मुकदमा दर्ज किए गए थे, थाना सोल्जर बाजार और फिरोजाबाद में इंतजारी दहशतगर्दी की दफात के तहत। आज जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए खुर्रम शेर जमान, अरसलान और उसके अलावा दीगर जो एमपीएस और एमएनएस हैं वो सिंध हाई कोर्ट पहुंचे हैं और इन्होंने हलफनामे जमा कराए हैं और उसके बाद साथ ही साथ अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए दरखास्त जमानत भी दायर की है। लेकिन जब इनसे सवाल किया गया कि हाईकोर्ट क्या करना है, तो उनका कहना था कि वो हाईकोर्ट चाय पीने के लिए आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो वकला है उनके जरिए बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी से बचने के लिए, जमानत हासिल करने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी हैं। और आज ही सिंध हाई कोर्ट का दो बेंच जो है इनकी दरखास्त में कहा गया है कि सिंध हुकूमत ने इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए हैं उसमें गिरफ्तारी से इनको रोका जाए और जो मुकदमा चाहे वो ट्रायल कोर्ट में पेश होकर सामना करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।